नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष वाधवानी और आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं जिसमें हम मोटिवेशन की बात करेंगे, जिसमें हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ इंडिया के लिए एशियन गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल हासिल किया और आज भी उनका लक्ष्य अपने देश को और भी कई मेडल दिलाना है। रजत जी ने एशियन गेम्स 2014 में गोल्ड जीता और 2015 एशियन चैंपियन भी रहे। और इतना ही नहीं, 2016 में रजत जी को उनकी मेहनत को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया। इतना महान खिलाड़ी हमारे जयपुर से है और आज भी रजत जी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोज सुबह आर्चरी ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आते हैं और इसलिए भी आते हैं ताकि आज की पीढ़ी को इस खेल के प्रति ट्रेन कर पाएं और उनका मनोबल बढ़े। और रजत जी की तरह देश विदेश में और भी बच्चे अपना नाम इस खेल जगत में रोशन कर पाएं। कैसे रजत जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त एकदम। आज तो तगड़ी ठंड है, भयंकर है ठंड, तगड़ी का है। तो रजत जी, आपने कैसे स्टार्ट किया था ये, आप कैसे कब जुड़े स्पोर्ट्स के साथ? मैं जब 12 साल का था तब मैंने आर्चरी ज्वाइन की थी और हाँ, और 2006 में मैंने आर्चरी में आया था। 12 साल में तुम छुपन छुपाई खेला थे। कितने साल के थे तब जब आपने पहला मैच जीता था? पहला मैच जब मैंने जीता था जब मैं 13 साल का हो गया था, मतलब मैंने आर्चरी ज्वाइन की 2006 में और 7 में मैंने पहली बार गोल्ड जीता था स्टेट लेवल पे 2007। एक साल में। और वो इतना जल्दी इसलिए पॉसिबल हुआ कि उसके पहले मैं एक मैच हारा भी था। अच्छा, हाँ, उस मोटिवेशन आया होगा। तो रजत जी, आप कितने साल के थे जब आपने देश के लिए गोल्ड जीता था? मैंने देश के लिए गोल्ड जीता था सन 2012 में। पहली बार मेरा एशियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट था जहाँ पे मैंने इंडिया के लिए एक नहीं चार चार गोल्ड जीते थे। क्या बात है। हाँ, 18 साल के अंदर, मतलब ऐसा था कि बढ़िया हो गया था, आर्चरी समझ में आ गई थी और उस टाइम पे फील हुआ कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो रजत जी, इस खेल में आपकी एंट्री कैसे हुई? इस खेल में एंट्री मेरी पढ़ाई से बचने के लिए हुई। क्या बात है। मतलब आप भी मेरे जैसे थे? नहीं, आपकी जैसे नहीं था पर ऐसा था कि पढ़ने लिखने में मेरे को क्या पहले से शुरू से काफ़ी जोर आता था, ऐसा लगता था बहुत भारी काम है, उससे आसान मुझे खेलना लगता था। तो फिर मैंने जस्ट 9th क्लास थी उसकी छुट्टियों में मैंने ट्राइकोंडो ज्वाइन किया था तो वो मैंने सीखा, उसमें येलो बेल्ट तक पहुंचा। पर फिर बड़े भी अभी साथ में थे, वो ग्रीन बेल्ट थे उसमें, तो उन्होंने कहा कि तू भी कोई और अच्छा गेम ज्वाइन कर ले और उसमें प्रैक्टिस कर। तो उन्होंने 3-4 गेमों के नाम बताए तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को कोई सा भी गेम ज्वाइन करना, बस गेम ज्वाइन करना है क्योंकि उससे क्या है पढ़ाई से छूट मिल जाएगी मेन मोटिव ये हो गया कि अभी पढ़ाई से बचना है। फिर मैंने आर्चरी ज्वाइन की और ये आर्चरी भी इसलिए ज्वाइन की कि स्टेडियम में एंटर होते ही सबसे पहला मैदान इसका था, तो बोले किसी भी कुएं में जाके कूद जाओ वैसा था कि पढ़ाई में बचना है। आया इसमें, मैंने ज्वाइन किया इसको और उसके बाद कि यार इस गेम में मुझे कुछ करना है। फिर मैंने एक टूर्नामेंट, सबसे पहले एक स्टेट टूर्नामेंट था जिसमें मैं हारा और उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, जीतने से मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल सकती है। और आप खुद देख सकते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि पढ़ाई जो बहुत ज़रूरी है, पर अगर आपको जीवन में कुछ हटके या अलग करना है ना तो पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है कि आप पढ़ाई से ही सब कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी, जैसे पढ़ाई में अगर आप बहुत अच्छे हो ना तब जाके हो सकता है कि आपको एक अच्छा ओहदा मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अभी, और जो मैंने रजत जी के साथ कुछ दिनों में जाना है कि स्पोर्ट्स से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। स्पोर्ट्स से आप अपनी दिनचर्या को अच्छा तो करते ही हो, आपको खेल में और खेल से बहुत आगे आप जाते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों के साथ साथ आपको जॉब्स भी
ऑफर की जाती हैं, और सरकारी नौकरियां भी, अगर आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स कोटा से अच्छी सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है खेल से जुड़ने का। तो आई थिंक आप सबको छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, किसी भी लेवल पे, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए। क्या बोलते हैं रजत जी? देखिए, स्पोर्ट्स में जुड़ने के आपको जो आपने सारे फायदे बताए ना, उसके साथ साथ एक क्या, आप मेंटली और फिजिकली भी फिट रहोगे। राइट। नॉर्मल जो इंसान है वो उनकी दिनचर्या में उठने का समय 9 बजे 10 बजे। मेरा एग्जांपल दे सकते हो आप? मेरा एग्जांपल दे सकते हो? मैं देखो 9 बजे उठने वालों में से हूँ। सुबह 9 भी मतलब मेरे लिए जल्दी हो जाता है कभी कभार, और फिर 11 बजे का मेरा ऑफिस का टाइम है, और रात को फिर सोने का कोई टाइम नहीं होता। मैं 12 बजे भी सोता हूँ, कभी कभार 2 बजे भी सोता हूँ। तो ऐसी दिनचर्या से ठीक है, आप अपनी लाइफ, आपको लगता है आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ आके बैठते हो ना और एक राउंड लगा लेते हो ऐसे ग्राउंड का, तो आपकी सारी असलियत सामने आ जाती है। तो मतलब आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रूटीन स्पोर्ट्स से जुड़ो, और आप बैडमिंटन खेलो, लॉन टेनिस खेलो, टेबल टेनिस खेलो। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो इंडोर में टेबल टेनिस भी बहुत अच्छा खेल है। इन खेलों से जुड़ के आप खुद को तो फिट रख सकते हो। तो रजत जी, जब आपने ये गेम ज्वाइन कर लिया तो आपको ट्रेन करने वाले कौन थे, आपके गुरुजी कौन थे? एक खिलाड़ी के जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक होता है, तो उस जगह मैं नाम लेता हूँ धनेश्वर जी मईड़ा का, क्योंकि वो स्पोर्ट्स काउंसिल के यहाँ कोच हैं। मैं एक दो कंपटीशन खेलने गया तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब भी वो मेरे पीछे खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ काम कर रही। जब मैं सब जूनियर कैटेगरी का खिलाड़ी हुआ करता था ना, उस समय मैं सीनियर नेशनल में जीत रहा था, मतलब बच्चा होके बड़े खिलाड़ियों में उतर रहा था और वहाँ मैं जीत रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं एक जो तक गुरु का आशीर्वाद वो मुझे उनसे प्राप्त हो रहा था, और उसके चलते मैंने बहुत कम उम्र में सीनियर नेशनल का मेडल जीता, और सन 2011 में मैं सीनियर नेशनल का चैंपियन भी बना, और मैंने वहाँ रिकॉर्ड भी बना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अच्छे से खेला, खुल के खेला। ऐसे मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेला, एशियन चैंपियनशिप में भी खेला, एशिया चैंपियन भी बना उन्हीं के पीछे खड़े रहते समय। तो वो मैं उनको मानता हूँ कि हाँ, वो मेरे गुरु हैं। तो रजत जी, क्या रूटीन रहता है यहाँ का? मैंने देखा काफ़ी बच्चे हैं, और सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं और जब तक ये एंड होता है, तब तक का पूरा रूटीन मैं जानना चाहूँगा आपसे। इस मैदान का शेड्यूल इस तरीके से रहता है कि हम लोग एग्जैक्ट अभी जैसे ठंड बढ़ी है तो 7:30 बजे का टाइम कर दिया है ग्राउंड का, तो एग्जैक्ट 7:30 बजे हम राष्ट्रगान यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। राष्ट्रगान होता है, उसके बाद स्ट्रेचिंग होती है, सारे बच्चे एक सर्कल के अंदर स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर ये कुछ 2600 मीटर का ट्रैक है यहाँ स्टेडियम के पूरा बाउंड्री के पास में, ये पूरा वाला। हाँ, तो इसका एक राउंड होता है, उसके बाद में फिर ये बच्चे आप देख रहे हैं पीछे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर ये एक्सरसाइज होती है, और उसके बाद में आधा घंटे का ब्रेकफास्ट का गैप हम रखते हैं कि भाई सब बच्चे ब्रेकफास्ट कर लें। तो ब्रेकफास्ट आप बाहर से मंगाते हैं कि यहाँ बनता है? यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, तो हम लोग तो यहाँ बना के करते हैं। कुछ होते हैं कि जो बाहर से लाते हैं या घर से लाते हैं, वो उस तरीके से खुद को मैनेज करते हैं। और फिर उसके बाद 7:30 से लेके 9 बजे तक का शेड्यूल ये रहता है, और फिर 9 बजे से हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं जो कि 11:30 बजे तक चलती है। उसमें सिर्फ हम आर्चरी से रिलेटेड एक्सरसाइज जो भी होती है, सारी एक्टिविटी उससे रिलेटेड होती है। जैसे कुछ बच्चे शूटिंग करते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट डिस्टेंस पे 10 मीटर पे तीर चलाते हैं, कुछ बच्चे बोर्ड रो करते हैं, तो पर्टिकुलर आर्चरी पे फोकस रहता है उस टाइमिंग के अंदर। 9 से 11:30 जी। पहले टाइम 7 बजे का था, अभी आपने थोड़ा सा 7:30। हाँ, जब आप पहले आए थे तब 7 बजे का समय था, अभी 7:30 कर दिया। फिर उसके बाद में शाम को फिर से क्लास स्टार्ट होती है यहाँ पे 3 बजे। हाँ हाँ, 3 बजे स्टार्ट होती है। आपके लिए वो दिन हो रहा है, पर हमारे लिए वो शाम का समय है। आपका वो समय है ना, तो सेम वही स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम वही शूटिंग करते हैं, आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं। रोल कॉल होता है, सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर वो एक साथ जय हिंद बोलते हैं, उनकी काउंटिंग होती है कि आज की कितनी स्ट्रेंथ थी। उससे एक आइडिया लग जाता है कि पर डे लगभग 40 बच्चे के आसपास यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। मैंने एक और यहाँ पे चीज़ देखी, जब मैं आज सुबह आया यहाँ पे, मैंने देखा कि जितने भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे रजत जी ने एंटर किया तो एक सम्मान के साथ जो झुक के अपने गुरुजी को सम्मान देना होता है, वो भी मैंने देखा, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ देखी थी, हालांकि हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ करता था, बट उसके बाद मैंने वो चीज़ आज देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
अगर आपके अंदर आदर्श नहीं है ना, तो आप एक आदर्श खिलाड़ी नहीं बन सकते। अच्छा बात है। तो खेल क्या है, चौतरफा विकास करता है। आप खाली खेल में आने से सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी और बड़े खिलाड़ी नहीं बन रहे हो, आप उसमें आके काफी सारी चीजें भी सीख रहे हो, और मैंने भी सीखी, एक अच्छे इंसान भी बन रहे हो। एक्चुअली गेम से जब हम जुड़ते हैं ना, तो बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। जैसे कि एक फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा कि, अच्छा रजत जी, आप जब स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन किया था आपने, उससे पहले आप कभी विदेश गए थे? आप विदेश की बात कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं गया था। पहली बार प्लेन में कब बैठे थे? पहली बार प्लेन में मैं बैठा था कलकत्ता से जयपुर के लिए, सन 2011 में। मैं ट्रायल देने गया था, सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो ऐसा हो गया कि अब जल्दी घर पहुंचना है बस। फिर मैंने घर पे पापा से बात करी, फिर मैं टिकट बुक करके पहली बार मैं प्लेन में बैठ गया, और ऐसे पेट में जब उड़ रहा हूँ तो उड़ते उड़ते ऐसे गुदगुदी सी फील हो रही है, जब उतर रहा हूँ तब भी गुदगुदी हो रही है। पहला एक्सपीरियंस था। तो अब तब से लेकर अब तक आप कितनी बार विदेश यात्रा कर चुके हो? तब से लेकर अब तक मैं 36 बार इंडिया से बाहर गया। और पर्सनल या सारा? सारा स्पोर्ट्स। एक बार भी मैं पर्सनल खुद के किसी काम से मैं इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ। तो वर्ल्ड टूर कर चुका आप, मैं ये मानूं? हाँ, एक तरीके से देखे तो वर्ल्ड टूर का कुछ कुछ हिस्सा किया हुआ है। जैसे लोगों का सपना होता है यूएसए जाना, लास वेगास जाना, मैं गया हूँ। किसी का सपना होता है स्विट्जरलैंड जाना, मैं गया हूँ। जब आप खेलने जाते हो और एक खिलाड़ी के रूप में जाते हो, तो आपको तो मतलब तवज्जो भी उस तरीके से मिलती है ना, खिलाड़ी के रूप में जाते हो और रिप्रेजेंट करने जाते हो किसी देश को। हाँ, तो उसकी एक जलवे होते हैं, बहुत अलग नहीं, बहुत अलग उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उतरते हमारा इमिग्रेशन फटाफट हो जाता है, फिर हम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, बस ऑलरेडी तैयार रहती है हमारी सेवा में, जो हम कहें ऑलरेडी होटल बुक है, मुझे कुछ नहीं करना है। सुविधा भरा जीवन होता है जब हम कंटिन्यू टीम में रहते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद मतलब बहुत ही सुखद हो जाता है, पर उस सुख की अनुभूति बार बार करने के लिए हमें टीम में बने रहना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को मेडल्स जितना मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ सुविधा मिल रही है तो उसके पेटे हमें कुछ नहीं करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब हम यहाँ से निकलते हैं, तो उस बीच में ये जो सुविधाएं मिलती है, ये हमारे एंटरटेनमेंट का काम करती है कि हाँ, मैं अगर मेडल जीतूंगा तो और भी अच्छा होगा, इंडिया के अंदर आऊंगा तब मेरे स्वागत के लिए भी कुछ कोई ना कोई लोग खड़े होंगे। खैर, मोटिवेशन इन चीजों से भी मिलता ही है। हाँ, तो ये एक चीज होती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो रजत जी, आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले कहूंगा कि बंदा नया है, मेहनत कर रहा है। जो व्यक्ति अगर सुबह नहीं उठता था मेरे को आप लोगों से मिलाने के लिए, सुबह 7 बजे उठ के मेरे पास यहाँ 7 बजे पहुँच रहा है, तो मतलब 5:30 बजे उठा भी होगा। तो इसकी मेहनत को थोड़ा सा सलाम ठोको, और वो सलाम ठोकने के लिए आपको क्या है, वो बेल आइकन पे क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी जीवनी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी न किसी स्पोर्ट से भी जुड़ना, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ दिखाई गई है, तो हम चाह रहे हैं कि अपना राजस्थान हुआ, भारत हुआ, ये हर घर से एक ना एक व्यक्ति खेल से जुड़े। क्योंकि अगर एक बच्चा जुड़ता है तो उसके साथ साथ उसको मैदान पर ले जाने और लाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की या भाई बहन की होती है, तो उसके साथ साथ एक व्यक्ति और होता है जो ऑटोमेटिक जुड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? पढ़ाते हैं तो किस लिए पढ़ाते हैं, कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो आगे बढ़े। तो स्पोर्ट्स भी आपको वो प्लेटफॉर्म देता है। आप अगर अपने घर में से किसी भी एक बंदे को, मैं तो चाहता हूँ सब जुड़े हैं, लेकिन अगर आप एक को भी डालते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत आगे लेके जाती है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स होता है तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका शरीर ठीक रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप किसी भी खेल में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हो सकता है ऐसा मुकाम भी आपको मिल जाए। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है। आज सर DSP की पोस्ट पे है, ये सब स्पोर्ट्स से मिला है। और मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी चीज़ में जाना पड़ेगा, किसी ना किसी स्पोर्ट से जुड़ना पड़ेगा, या जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको रज के करो और मेहनत करो और आगे निकलो। थैंक यू सो मच। दिस इज आशीष वाधवानी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इधर ठीक है।